आज हम लोग बनाने वाले हैं ये पंचमिल दाल। इसमें मैंने तुअर की दाल ली है, थोड़ी सी मसूर की दाल ली है, थोड़ी सी मूंग की और थोड़ी सी उड़द की धुली हुई दाल ली है। और चार तरह की हमने दाल ली है। अब ये पंचमिल ऐसे होगा क्योंकि एक प्रोटीन का इंग्रेडिएंट इसमें हम और मिलाने वाले हैं और ये बहुत ही पौष्टिक होती है। दूसरी जो चीज़ें हमने इसमें ली हैं ये है मूंगफली दाने, ये जो अपना स्प्रिंग ऑनियन आता है वो है, उसके पत्ते हैं, आपका हरा धनिया है, हरी मिर्ची है और खड़ा गरम मसाला में दो बे लीव्स हैं, एक सिनेमन स्टिक है, एक आपका कार्डेमम है, तीन चार काली मिर्च और दो लौंग मैंने इसमें लिए, जिससे क्या है इसमें हम लोग खटाई डालने वाले हैं तो वो बैलेंस रहेगा, मतलब खटाई आपको नुकसान नहीं करेगी। और ये हमने थोड़ी सी गार्लिक ली है, गार्लिक हम लोग थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, आप अपने हिसाब से तीन चार तक भी ले सकते हैं, है ना। और ये अभी कोरोना के उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव बताया है गार्लिक खाना, इसलिए भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट अभी इसलिए क्योंकि सीजन की कच्ची कैरी हम इससे डालेंगे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑनियन लिए हुए हैं कटे हुए, मूंगफली के दाने लिए हुए, तो हमारा पंचमेल दाल में चार तो दाल हो गई, पर पांचवा जो हमारा है वो ये पीनट्स हैं, तो ये हमने कच्चे ही लिए हैं। अब इसको बॉईल करते हुए डाल देंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ हो इसलिए मैक्सिमम चीज़ें इसकी जो है वो इसमें बॉईल करते वक्त ही हम लोग डाल देंगे। तो ये हमने दाल इसको कुकर में रख लिया है, इसी में हम ये बे लीव्स डाल देंगे, इसी में ही ये स्प्रिंग ऑनियंस की लीव्स डाल देंगे और ये आपका मूंगफली दाने, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची, ऑनियन, आपका ये जो रॉ मैंगो हमने लिया था वो, गार्लिक और ये जितना भी खड़ा गरम मसाला था वो भी हम इसमें डाल लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, ये सेंधा नमक है, एक चम्मच के करीबन डाल रहे हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मिर्ची एक चम्मच, वो भी हम इसी में ही डाल देंगे जिससे बाद में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं हो। हल्दी और एक चम्मच धनिया, इतना डाल के, चूंकि ये सब अनपॉलिश दाल है तो इसमें एक, मेरे हिसाब से एक एक सीटी में ये सब पूरा हो जाएगा, और अगर आप लोग पॉलिश दाल यूज़ करते हैं तो तीन सीटी आप इसमें ले सकते हैं। ये गैस ऑन करके मैंने रख दिया है इसको। अब हम इस पे एक जो सीटी लेंगे कुकर की वो एक सीटी लेंगे और थोड़ा सा मीडियम हाई पे हम इसको रखेंगे। ये एक सीटी हमने इसमें ले ली थी लो मीडियम फ्लेम पे, और अब हम देखते हैं इसमें लगभग ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। इसी टाइप से ये दाल बननी चाहिए तो ये अच्छी लगती है, इसमें सभी मूंगफली वगैरह सब बहुत अच्छे से गल गई है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, इसीलिए चूंकि कम ऑयल और घी यूज़ हो इसीलिए इसमें बॉईल करते वक्त सब चीज़ें डाली थी और वो अच्छे से पक भी जाती हैं। तो इसमें 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी हम ले लेंगे, दाल की कंसिस्टेंसी आपको जैसी रखनी हो आप वैसी रख सकते हैं, हम लोग गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं तो हम लोगों ने इसमें पानी कम यूज करा। और इस दाल के ये बेनिफिट्स हैं कि इसमें खटाई भी डली हुई है, थोड़ा सा केरी डली हुई है जिससे इसका टेस्ट अच्छा होता है, मूंगफली दाने हैं जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, थायराइड के लिए बेनिफिशियल रहता है, और जो खड़ा गरम मसाला डालना है का इसमें जो यूज़ जो उपयोग था वो यही था कि चूंकि हम लोग इसमें केरी वगैरह डाल रहे हैं तो खड़ा गरम मसाला हम जैसे काली मिर्च है वो गला साफ करने के काम में आती है, लौंग भी है वो भी जो केरी के इफेक्ट रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है, प्याज भी इसमें इसीलिए डली हुई, जब भी हम केरी की चटनी भी बनाते हैं तो उसमें प्याज इसीलिए डालते हैं जिससे वो उसकी जो खटाई है उसको न्यूट्रलाइज करें। ये घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे, राई ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं दाल में राई डालता हूँ। जैसी ये राई तड़कने लगे उसके बाद में जीरा डाल देंगे, जीरा
ये दो तीन खड़ी लाल मिर्ची हमने लिए तड़के के लिए और कड़ी पत्ते। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस और न्यूट्रिशियस हो गया। अब इसमें ये दाल, जैसी दाल में बॉईल आएगी है ना, हम लोग हरा धनिया डाल देंगे। और ये दाल बहुत बेनिफिट्स वाली इसलिए है क्योंकि इसमें तीन चार तरह की दालें डली हुई है। मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, और नमक, हल्दी और हींग हमने उबलते वक्त ही डाल दी थी, इसलिए इसमें अलग से बहुत ज़्यादा हींग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंपल सा तरीका और बहुत जल्दी भी बन जाती है। आज चूँकि लॉकडाउन के टाइम में हरा धनिया है आजकल फिटनेस के लिए, कम तेल वगैरह की चीज़ें क्योंकि घर पे ही रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं पा रहे, तो हम लोग अपने चैनल पे उसी टाइप की चीज़ें दिखाते हैं जो बहुत जल्दी भी बन जाए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत सारा चीज़ें जो मिल भी नहीं रही हो ऐसी डाल के बनाने वाली नहीं दिखा रहे हैं। और आप लोगों के जो भी सजेशन हो वो इस पर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके वो करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई डिश देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। और ये हरा धनिया इसमें डाल देंगे और ये हमारी दाल जो है वो रेडी।